Hello friend, welcome to Support Me Raj. Today I'm talk about remove anything in Photoshop. So let me show you. Check out these images. अभी ये ऐसी थी और इसमें हमने remove किया गया है एक glass को. तो देखिए, बताइए, ऐसा लग रहा है कि ये रिमूव कर दिया गया है लेकिन ये रिमूव नहीं किया गया है, इसे हटाकर ही फोटो खींचा गया है. और इसके बाद ये कुछ अजीब फोटो है और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक था, यानी कि बहुत सारे पीपल थे और कुछ पर्सन को यहाँ पे हमने हटाया है. तो इस फोटो को भी आप एक बार देख ही लीजिए. अभी आप देखेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था जनाब, और मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा. और इसके अलावा आप इस बुक पर ध्यान दीजिए जो कि रेड कलर में है. यहाँ पे जो टेक्स्ट था उसको भी हटा दिया गया है. और इसके बाद जब हम आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं या फिर स्टूडियो फोटोग्राफी करते हैं तो हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे फोटो पर सही डायरेक्शन में लाइट आ सके. और कई बार ये होता है कि फ्लैश या फिर ट्राइपॉड, ये सब चीज़ें भी फोटोग्राफी में आ जाती हैं. सो हम उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने पिक्चर से, ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा. और इसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा एक एक्स्ट्रा वार्निश, अगर आप उसे काम में ले सकें अपने तो ज़रूर लीजिएगा. हो सकता है कि वो लास्ट वाला बताया गया टेक्निक आप सबको ज़्यादा पसंद आए और हो सकता है कि वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे. तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए. तो चलिए, मैं यहाँ पे फोटोशॉप सीसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ. अगर आपके पास कोई और वर्जन है तो आप अपने वर्जन को अपग्रेड कर लीजिए. हो सकता है 7.0 में ये फंक्शनलिटीज और ये फीचर्स अवेलेबल ना हो. सो अपडेट योर फोटोशॉप एंड नाउ फॉर माय ट्यूटोरियल्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस ग्लास से. मैं इस ग्लास को यहाँ से कैसे रिमूव कर सकता हूँ और ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप भी कुछ इस तरह के अनवांटेड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकें अपनी पिक्चर से और अपनी पिक्चर को एक ब्यूटीफुल लुक दे सकें. तो लेट स्टार्ट इट. सबसे पहले मैं इसे जूम करना पसंद करूँगा और मैं इसे ऑब्जर्व करूँगा कि इसके लिए बेसिक कौन सा टूल इस्तेमाल होता है. तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम क्लोन स्टैम्प टूल का भी इस्तेमाल करते हैं और पैच टूल का भी इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम कंटेंट अवेयर को फिल करते हैं. तो ये एक एडवांस टेक्निक है. तो हम तीनों से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना सीखेंगे, यानी कि रिमूव करना सीखेंगे और अपनी पिक्चर को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे. तो चलिए, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करने पे मिल रहा है कि यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल काम नहीं करेगा. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम काम ले सकते हैं पैच टूल. तो चलिए पैच टूल पर चलते हैं. और अगर आपको नहीं है विश्वास कंटेंट अवेयर टूल पर तो एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ. फिल कंटेंट अवेयर एंड नॉर्मल एंड 100% ओपेसिटीज एंड ओके नाउ. सो इट इज नॉट परफेक्ट. नाउ कंट्रोल जेड फॉर अंडू. वापस आने के लिए आप कंट्रोल जेड प्रेस करिए. ओके, इसके बाद मैंने कहा पैच टूल, तो सेलेक्ट पैच टूल, सॉरी जूम इन, एंड यहाँ से कुछ स्पेस रखिए ग्लास और आपके सिलेक्शन के बीच में और अपने माउस को स्लोली स्लोली ड्रैग करिए और इसके चक्कर को लगा दीजिए. इट मीन्स कि आप इसे कैप्चर कर लीजिए, इसका कोई भी हिस्सा रहने ना पाए जिसे आप हटाना चाहते हैं. तो चलिए, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ग्लास हटना चाहिए. तो शायद हमारी कोशिश सक्सेसफुल हो सकती है अगर आप हमारा साथ दें. तो देखिए, हमने ग्लास को सिलेक्ट कर लिया है, इसका सिलेक्शन इज रेडी. तो सिलेक्शन रेडी है जी. अब हमें क्या करते हैं, इसे आगे को मूव करते हैं. पैच टूल अगर आपने चलाया होगा तो ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्लेस करने के लिए होता है, तो यही होगा यहाँ पर भी. तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू भी कि हमारा कैसा होने वाला है. तो इसे आप बिल्कुल केयरफुली मैच करिए, यहाँ पे दोनों कॉर्नर को मैच करिए कुछ इस तरह. देखिए, ये
अभी परफेक्ट मैच नहीं है, और जैसे हम लाते हैं इसे तो ये परफेक्ट मैच होने की कोशिश हो रही है। तो आपको जहाँ पर भी परफेक्ट लगे वहाँ पे आप इसे रिप्लेस करिए। तो मुझे कुछ यहाँ पे इस तरह से अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पसंद किया। हो सकता है कि आपको कोई और अच्छा लगे, और आपके पास हो सकता है कोई दूसरी इमेज हो वो इस तरह की ना हो, तो सेम प्रोसेस ही होगी, बस आपको यहाँ पे समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि काफ़ी हद तक सही हो गई है, पर इसे थोड़ी सी क्लोन स्टॉम्प से सही करने के बाद हम इसे सही कह सकते हैं, पर अभी सही मैं इसे नहीं कह सकता। तो चलिए क्लोन टूल लेते हैं और ओल्ट के साथ मिस लाइनिंग पर क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पे आके इसे मिलाकर एक बार क्लिक करने की कोशिश की जाती है। तो ये देखिए, तो ये यहाँ पे परफेक्ट हो गया है। और फिर हम यहाँ से फिर से लेंगे क्लोन स्टॉम्प टूल और फिर यहाँ से मिलाएंगे इसकी लाइनिंग को और क्लिक ऑन इट। देखिए तो ये तो परफेक्ट हो ही गया है। अगर आपको ये थोड़ा सा एरिया अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं और ये भी सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसकी लाइनिंग को थोड़ा सा अलग हो गया है और यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो इसे कैसे सही करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम पहले पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे, फिर बाद में क्लोन स्टॉम्प टूल का भी इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो मैं इसे जस्ट लिटिल वेट थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि ये यहाँ पे रिप्लेस हो अच्छी तरीके से। तो ये कुछ ठीक है, इसे हम ठीक बोल सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं बोल सकते। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए इसे और हटा लीजिए और नीचे डाल दीजिए। अब हम क्लोन स्टॉम्प टूल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्लोन एंड यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से होल्ड को दबाया, होल्ड रखा मैंने यहाँ पे इसे और क्लिक करता हूँ एक। अब देखते हैं कि ये कुछ ऐसा हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर क्लोन अगर रोटेट हो जाए अकॉर्डिंग टू पोजीशंस तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाए, तो क्यों ना क्लोन को रोटेट किया जाए। तो विंडोज में आइए और यहाँ पर देखिए क्लोन सोर्स, और यहाँ पे ये मेरा टैब खुल गया है। हो सकता है कि आपके फ़ोटोशॉप में ये टैब कहीं और खुले, क्योंकि मैंने इसे यहीं पे सेट कर रखा है तो यहीं पे खुल रहा है। अब हमें क्या करना होगा, अल्ट को दबाकर यहाँ पर क्लिक करना होगा, बस क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ इस अप वाली एरो को जिससे हम गेम खेलते हैं और ये ऊपर वाली एक की है इससे हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए आप, और सॉरी इसी से हम इसे दोनों साइड, जस्ट मिनट, इसी से हम इसे दोनों साइड रोटेट कर सकते हैं। नीचे वाली से इस तरह से होगा और ऊपर वाली से इस तरह से होगा। जहां आपको परफेक्ट लगे वहां पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए। अगर आपको परफेक्ट नहीं लगता है तो फिर रहने दीजिए। और अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा ग्लास हट गया है और हमें ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम कह सकते हैं कि हमारी ये पिक्चर तो सही हो गई है। तो चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट बाकी पिक्चर पर भी करते हैं, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं आपको कुछ लास्ट में एक्स्ट्रा बोनस भी देने वाला हूं जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आउटडोर फोटोग्राफी में अगर आपकी पिक्चर में लाइट या ट्राइपॉड आ जाता है आप उसे कैसे रिमूव करेंगे, तो चलिए बेसिक जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर भी हम पैच टूल का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे क्योंकि ये काम पैच टूल से आसानी से हो सकता है। तो चलिए पैच टूल को सिलेक्ट कीजिए। चलिए अब इस इक्विपमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस इक्विपमेंट को हम हटा सकें यहाँ से, ये देखिए। और अब इसे हम आगे मूव कर सकते हैं और हम इसे यहाँ पर मूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये यहाँ से रिमूव हो गया है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रिमूव हो गया है और हमें हमारा सेपरेट पिक्चर मिल गया है जिससे हम अच्छी फोटोग्राफी दिखा सकते हैं किसी को कि देखो भाई हमारे फोटोग्राफ कितने अच्छे आते हैं। तो चलिए इस फोटो से भी हम कुछ समझ लेते हैं कि हम पैच टूल को और किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चल जस्ट हम इस एक, ये क्या है इसे मैं जानता नहीं हूँ, शायद
इसे हम सिलेक्ट करते हैं और फिर इसे आगे ड्रैग करते हैं, तो ये देखिए ये जानवर जो यहाँ पे था वो हट गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये तो जानवर हट गया है, अगर हमको जानवर बनाना था तो हम क्या करते। तो चलिए मैं इसे अंडू करता हूँ एक बार और फिर देखते हैं। तो एक ऐसी जगह आप कैप्चर करिए वहाँ पे ये जानवर रिप्लेस हो सके। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह कैप्चर की और अब मैं इस जगह पे इस जानवर को कैप्चर यानी कि रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैच टूल का क्या इस्तेमाल है और इससे हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड कलर की बुक है उस पर भी कुछ नाम था पर उसे हमने रिमूव कर दिया है। तो ऐसे पर्टिकुलर एरिया से हम किसी टेक्स्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं इसे भी जान लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हम इस तरह के टेक्स्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं अपनी पिक्चर से, तो शायद आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इसकी रियल कॉपी को ओपन करते हैं। तो चलिए अब हम इसे फिर से रिमूव करने की एक नाकामयाब कोशिश और करते हैं। अगर हम इसमें कंटेंट अवेयर टूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये शायद फिल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो इससे पहले डिलीट कर लेते हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ से पोनोग्रेलो लेसर टूल लेता हूँ और इस टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ और देखिए हम यहाँ पे करेंगे फिल और यहाँ पे कंटेंट अवेयर, जस्ट सिंपल सी सेटिंग होती है यहाँ पे और ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने किसी और बुक को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है जो कि एक सूटेबल मैचिंग नहीं है। तो मैं तो ऐसा नहीं करना चाहूँगा तो मैं इसे कंट्रोल जेड दबाकर फिर से अंडू हो जाता हूँ। ना भाई ना, हमको नहीं चाहिए ऐसा। और अब हम कोशिश करते हैं इसे हटाने की, तो किस तरह से होगा जनाब। तो इसे थोड़ा सा आप केयरफुली देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। अब मैं इसका सिलेक्शन बनाता हूँ आपके सामने। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट और फिर यहाँ से और क्लिक ऑन इट, नाउ सिलेक्शन इट। इसके बाद कंट्रोल जे दबाइए जिससे कि ये पर्टिकुलर किताब किसी दूसरी लेयर पे पहुँच जाएगी और फिर हम इसे हटाने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए इस पर्टिकुलर एरिया से हम इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं इस टेक्स्ट को ओनली जो है विलेट रेड रोड। सेलेक्ट करने के बाद फिल राइट क्लिक करिए और फिल के ऑप्शन पे आइए। अगेन बताता हूँ मैं आपको, राइट क्लिक करिए, फिल पे आइए, कंटेंट अवेयर चेक रखिए, ओपेसिटी 100% रखिए और ओके कर दीजिए। तो ये फिलअप हो गया है। इसके बाद ये मौर्यांग इसको भी हम हटाते हैं। तो पहले इस जो बाकी सेक्शन था इसे डीसेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट, सॉरी और ये हमने सिलेक्शन तैयार कर लिया है। अब राइट क्लिक करते हैं, फिल पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये किताब रिकवर हो गई है यानी कि इसका टेक्स्ट रिमूव हो गया है। अब आप चाहें तो इस पर कोई दूसरा टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, इन लेयर्स को मर्ज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये सभी लेयर्स जो भी आपके यहाँ पे एक्टिव होंगी वो मर्ज हो जाएंगी। चलिए अब तीसरे फोटो पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जो कि थोड़ा कठिन होगा और उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए उसे थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं एक एक्सपेरिमेंट और करूँगा जो इस वीडियो का सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हो सकता है। तो चलिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं देखते देखते तो इसे लास्ट तक ही देखिए। तो ओपन करता हूँ मैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पे, आपको ये भी जो मैन दिख रहे हैं वुमेन दिख रही हैं, इन लेडीज एंड जेंट्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो आप देखिए। ये आपके लिए काफ़ी कमाल का और इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो इसे स्किप मत करिएगा, ठीक है जनाब। और इसे हटाने के बाद आप ऐसी पिक्चर पा सकते हैं, ये देखिए
बिल्कुल क्लीन, लेकिन मैं यहाँ पे देखना भूल गया, तो यहाँ पे एक बंदा और है, तो इसे भी हटाना जरूरी था। चलो सॉरी, मैं नहीं हटा पाया। चलो अब आपके साथ हटाते हैं हम, तो ओपन करते हैं इस इमेज को। चलिए गाइज, तो सबसे पहले हम इन जनाब को हटाना पसंद करेंगे जो कि सबसे भारी दिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप लीजिए लेस, तो आप यहाँ पे लीजिए फोनोग्राफ लेसर टूल और इसका एक रफली सिलेक्शन बनाइए। फिर करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ जस्ट रफली, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करने की कोशिश कीजिए जनाब, आप अच्छा रिमूव कर पाएंगे। मिला दीजिए, तो ये सिलेक्शन हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, चलिए इस पे करते हैं राइट क्लिक और यहाँ पे फिल पे क्लिक और फिर कंटेंट अवेयर पे ओके करना होगा। यस, दिस इज रिमूव इट। आप कह सकते हो कि ये परफेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ ये परफेक्ट नहीं हुआ है, इसमें हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर क्लोन स्टेम टूल से, तो हम इसे परफेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं, यहाँ पे इसकी जो शैडो थी उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, और यहाँ पे जो सीढ़ियों की वो थी वो भी कुछ अच्छी नहीं लग रही है हमको, तो इसे आगे से रिप्लेस किया जा रहा है। तो इट्स ओके, जस्ट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है फिर भी ठीक है। आप दिखाने के लिए आप जितना टाइम और जितनी मेहनत यहाँ पे देंगे तो आप एक अच्छा पिक्चर क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए ऐसे ही इन बाकी इमेजेस को यहाँ पे इस पुलिस का भी कुछ किया जाता है, तो चलिए इनका भी कुछ रोल बनता है इसमें। चलिए जनाब, आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, कंटेंट अवेयर पे जाइए या फिर पैच टूल पे जाइए। पैच टूल पे जैसा ऐसा हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि कैसा हो रहा है। तो मेरे को ये ठीक लगा तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। ओके गाइज, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर इन सज्जन को हटाना हो तो हम क्या करते हैं, देखिए जस्ट ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए रफली आप, और फ्लिप और फिर राइट क्लिक करके फिल पे आइए और कंटेंट अवर चेक रखिए और ओके कर दीजिए। ये हमको अच्छा लगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये कैसे सही होगा। तो इसके लिए आप लेयर कंट्रोल जे से आप काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल जे करिए इतना सेलेक्ट करके, और इस पार्ट को आप पर्टिकुलर एरिया से सही कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे सही कर सकते हैं और ऐसे इसे भी सही कर सकते हैं। नाउ चेकआउट, ऐसे कंट्रोल जे, अगेन कंट्रोल टी एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड नाउ। जस्ट एक एग्जाम्पल है और ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये सही हो गया है, बस आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो फिर हम इन महापुरुष को हटाने की फिर से कोशिश करते हैं। चलिए, एंड कंटेंट अवेयर, ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये अलाइन नहीं हो पाई है सही से। तो इन्हें अलाइन करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ऐसे करने के बाद, सॉरी, ऐसा करने के बाद फिदर्स पे आइए और 3 पिक्सल फिदर देने के बाद ओके करिए और फिर इसे आप अलाइन कर सकते हैं। सॉरी, कंट्रोल जे करिए यहाँ से और अब आप इसे अलाइन कर सकते हैं, इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक थी, इसके अलावा आप कितने ही बंदों को हटा लीजिए, इससे हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो फास्ट करते हैं अब।
chill and content aware. तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो गई है जनाब, इसे सही करने का एक ही तरीका है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। इधर का पार्टीशन को ऑफ कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करिए इस पर, सॉरी इसका सिलेक्शन करिए, आगे बंस मैं आपको फिर से बताता हूँ, इसका सिलेक्शन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिदर्स दीजिए और ओके कीजिए। इसके बाद इसे कंट्रोल जे लेयर पे ले जाइए, यानी कि दूसरी लेयर पे, और ये आ गई यहाँ पे, और फिर इसे इधर लाइए। यहाँ पे लाने के बाद कंट्रोल टी दबाइए, ट्रांसफॉर्म मोड में आ गया है, राइट क्लिक कीजिए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कीजिए। तो ये देखिए, इसे हम इस तरह से बनाए रख सकते हैं। और शायद आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इजीली कर सकते हो, और मैं नहीं चाहता कि इस ट्यूटोरियल को और भी ज़्यादा लंबा किया जाए। तो इस तरह से आप बाकी कपल को भी हटा सकते हैं, और इन जो महापुरुष आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उन्हें भी आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बोनस की बात कर रहा था इस वीडियो में, तो आखिरकार बोनस वाली बात आ ही गई कि हम और क्या क्या यहाँ पे बोनस में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिमूव टेक्निक और बताने वाला हूँ जिसे मैं अक्सर यूज करता हूँ। देखिए भाई, टूल तो सभी यही होते हैं, सारे टूल यही होते हैं, बस अपने काम करने का अंदाज अलग अलग होता है। चाहे तो आप इनसे अच्छा काम करो, चाहे तो बुरा काम करो, शायद आप इन टूल का इस्तेमाल करने से कुछ और भी बेटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा आप क्या बेटर कर सकते हैं। अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में ज़िंदगी जीना है तो कागज़ों को भरना सीख ही लेना चाहिए, और इन फॉर्म को हम कितने बार भरते हैं, कितने आवेदन करते हैं, और पता नहीं क्या क्या योजनाएं आती रहती हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म लॉस्ट हो जाते हैं और हम उन्हें रिकवर भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज इस फॉर्म को हम रिकवर यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, शायद आपके लिए ये बोनस साबित हो सकता है। और कुछ ऐसे भी टेक्निक हैं जिनसे आप कुछ और भी एक्स्ट्रा जा सकते हैं, तो वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये टेक्निक पसंद आएगी शायद। तो ये देखिए, जैसे कि ये एक फॉर्म है आंगनबाड़ी का, हम इसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एल जिसे हाईलाइट करेगा, ओके, और फिर हम लेंगे पैच टूल। देखिए टूल सभी वही होते हैं, मैं कह चुका हूँ पहले भी, लेकिन ये आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प में आ सकते हैं, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप भरे गए फॉर्म को ब्लैंक कर सकते हैं फिर से, यानी कि जो फॉर्म आप फिजिकली फिल कर चुके हैं उसे आप ब्लैंक भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और भी देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलिए चलते हैं, बाय।